जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्जामिनेशन 501, 502, 503 का एग्जामिनेशन हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे जो कमेंट करके यह पूछे जा रहे हैं कि हमने जो है हमारा जो परीक्षा है 501, 502, 503 का एग्जामिनेशन छूट गया है, यानी कि उन लोग को जो है NIS के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए थे उनका जो है फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म, क्योंकि उन लोग जो है PCP का क्लास को अटेंड नहीं किए थे, जिसके कारण उन लोगों का एडमिट कार्ड जो है नहीं निकालेगी। तो यदि आपको भी इस टाइप से कोई समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है। इसके साथ ही साथ यदि आप जानना चाहते हैं कि 504, 505 का एग्जामिनेशन कब तक होंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक भरवाए जाएंगे 504 और 505 का, तो भी यह वीडियो अंतिम तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चीज़ है। इसके साथ साथ कुछ हम लोग रिजल्ट के भी बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बताते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को वेलकम करते हैं। वेलकम टू आवर डिसेस क्लास। हमारे डिसेस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यहाँ जो हम जो बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में DLED कहते हैं, उन सारे कैंडिडेट, उन सारे टीचर्स के लिए जो NIS कर रहे हैं, उनके लिए आज बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन लाए हैं कि 504, 505 का एग्जामिनेशन कब तक होगा। इसके साथ ही साथ 504, 505 का एग्जामिनेशन फॉर्म कब तक भरा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, उस कमेंट की ओर ध्यान देते हैं और इन लोगों को धीरे धीरे करके वन बाय वन करके आंसर देते हैं। सबसे पहले 504, 505 के पेपर कब होंगे? तो आप सभी को पता है कि एक दिन पहले, दो दिन पहले जो है NIS का जो चेयरमैन ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिए गए कि आप सभी का एग्जामिनेशन जो है 504, 505 का एग्जामिनेशन आफ्टर 3 मंथ के बाद होंगे। तो इतना क्लियर है कि जब भी होंगे, जब तक 501, 502, 503 का रिजल्ट नहीं आएंगे, तब तक आप 504, 505 का फॉर्म नहीं भर सकते। और आप सभी को पता है कि आपका जो रिजल्ट है वो 505 सितंबर मंथ में आपको आने की संभावना है, क्योंकि ऐसी NIS, अगर NIS का अगर PDF देखे जाए NIS का ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वो बताए थे कि जब आपका एग्जामिनेशन का अंतिम दिन होगा उससे 45 डेज के भीतर आपका रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा NIS के ऑफिशियल वेबसाइट पर। लेकिन किसी कारणवश जो है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने, बहुत ज़्यादा शिक्षकों ने एग्जामिनेशन दिए, जिसके कारण कॉपी को चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा समय खींच रहे हैं, इसी के लेकर जो है डेट को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिए गए। यानी कि जो आपका कॉपी जो चेक कर रहे हैं, कॉपी को चेक करने के लिए थोड़ा सा उन लोग को ज़्यादा समय मिल रहे हैं, इसीलिए वो जो है रिजल्ट में भी लेट कर रहे हैं। यानी कि आपका जो रिजल्ट आपका आएंगे, आपका सितंबर मंथ के आसपास आएंगे, और जैसे सितंबर मंथ के जैसे ही आपका रिजल्ट आते हैं उसके 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद आपको आपको 504, 505 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यदि कोई कैंडिडेट फेल करते हैं किसी कारणवश 501 या 502 या 503 में, तो उसका भी परीक्षा आप सेकेंड सेमेस्टर में यानी 504, 505 के साथ जो परीक्षा आप फेल करते हैं उसको भी साथ में आप दे सकते हैं। इसीलिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक 504, 505 का फॉर्म नहीं भराए जाएंगे। अगर दूसरा बात कहते हैं GP सिंह का, तो यहाँ पर लिखे हैं कि फर्स्ट ईयर की जो भी 501, 502, 503 की फ़ी जमा की, लेकिन जानकारी के अभाव में मैं एक बार भी PCP अटेंड नहीं कर सका, जिससे मैं 501, 502, 503 का एग्जामिनेशन नहीं दे सका। दोबारा मौका मिलने पर मेरी PCP कब होगी? क्या मैं 504, 505 भी सेकेंड ईयर्स की फ़ी जमा करूं या नहीं? मैं लखनऊ EPU से। तो आप सभी को एक बात बता देते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन फ़ी को लेकर है या सेकेंड ईयर का फ़ी, अलग मैटर है, आपको सेकेंड ईयर का फ़ी जमा कर ही देने, क्योंकि वो सेकेंड ईयर का फ़ी इसलिए पहले लेते हैं क्योंकि आगे का भी आपको क्लियर है। अब आपको किसी भी प्रकार का कोई फ़ी आपको अपना कोर्स को लेकर नहीं देने। अगर बात रही कि 504, 505 का, तो आपका 504, 505 के साथ साथ आप 501, 502, 503 का भी एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। और जहां रही कि PCP क्लास अटेंड करने की, तो PCP को लेकर अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई कि क्या 501, 502, 503 का जो एग्जामिनेशन हुए थे, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो PCP के कारण छटे गए थे, तो क्या उनका अगर इस बार भी अगर फॉर्म भरे जाए तो क्या दोबारा उन लोग को छांट दिए जाएंगे या नहीं छांटेंगे, इसको लेकर कभी अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्योंकि पिछला बार यह बोल के छांट दिए थे इन लोगों को कि आपने PCP अटेंड नहीं किए, तो अभी तक PCP को लेकर कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आए।
तो यदि यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगते हैं कि यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अपने मीठे मीठे कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइए। हम आपको आपका रिप्लाई जरूर करेंगे किसी वीडियो के माध्यम से या रिप्लाई के माध्यम से हम आपको जरूर कर दें। तो आई होप आप सभी समझ चुके होंगे हमें क्या क्या चीज़ को जानकारी मिल गई, क्या क्या चीज़ सावधानी बरतनी। तो यदि फिर भी किसी प्रकार का समस्या है तो हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।